गाइस मेरा नाम है तनाव, से देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों फेसबुक इन एलिजिबल कंट्री इशू को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे अगर आपके पेज पे इन एलिजिबल कंट्री का इशू आता है तो उसको सॉर्ट आउट करना है। वीडियो पे आगे बढ़ो, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो जबरदस्त बनने वाला है। तो दोस्तों यहां पे आज के डेट पे इन एलिजिबल कंट्री का इशू पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और ना जाने कितने सारे कंट्री को आ रहा है। बहुत सारे क्रिएटर इन एलिजिबल कंट्री इशू को लेके परेशान है क्योंकि उनके पेज पे इन एलिजिबल कंट्री इशू आ जाता है और पेज हो जाता है डीमोनेटाइज। और ये 90% पाकिस्तान के पेज का आज के डेट पे हालत बन के बैठा है। तो आज के इस वीडियो पे मैं सॉर्ट आउट करने वाला हूं वही इन एलिजिबल कंट्री इशू को। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों अगर आप लोग इन एलिजिबल कंट्री इशू आपके पेज पे देखते हो तो आप लोग सिर्फ सोचते हो ये कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, मगर यहाँ पे ये इशू किस वजह से आता है ये बहुत सारे जनों को पता नहीं है। ये इशू इस वजह से आता है क्योंकि आपका जो कंट्री है वो फेसबुक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कंट्री नहीं है, इसी वजह से आता है। तो मान लो अगर आपका कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, नाइजीरिया, श्रीलंका या फिर कोई भी इन एलिजिबल कंट्री में आता है तो आपको एज ए क्रिएटर करना क्या है जिससे आपका डीमोनेटाइज हुआ पेज फिर से मोनेटाइज हो जाए, या फिर आपका पेज अगर एलिजिबल जो बाकी क्राइटेरिया है वो कॉम्प्लीट कर लेता है तो आपको कैसे उसको मोनेटाइज करना है ताकि आगे चल के आपका पेज पे कोई भी इन एलिजिबल कंट्री का इशू ना आए, वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये ट्रिक 100% काम कर रहा है। सबसे पहले अगर आप कोई भी इन एलिजिबल कंट्री से पेज बनाते हो, से फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान से पेज बनाया है और उसको ग्रो किया और मोनेटाइजेशन लेवल पे आ गया, तो हमें ऐसा क्या करना है मोनेटाइजेशन करते हुए ताकि हमारा पेज पे कभी भी इन एलिजिबल कंट्री का इशू ना आए। या फिर मान लो हम पहले से मोनेटाइज करके रखे थे पाकिस्तान या फिर नेपाल या फिर श्रीलंका या फिर नाइजीरिया या फिर कोई भी अदर कंट्री जो कि एलिजिबल कंट्री क्राइटेरिया पे नहीं आता है, उन कंट्रियों से पेज चला रहा था, मोनेटाइज था, अचानक से इन एलिजिबल कंट्री का वायलेशन आ गया और पेज डिमोनेटाइज हो गया। अब हमें करना क्या है ताकि हमारा पेज फिर से मोनेटाइज हो जाए और इन एलिजिबल कंट्री का रेस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपका जो पेज है उस पे बाहर का एडमिन लगाना पड़ेगा। बाहर का एडमिन जैसे ही मैं कहता हूं इसका मतलब होता है ऐसा एडमिन आपके पेज पे होना चाहिए जो एडमिन इलिजिबल कंट्री से बिलोंग्स करता है। से फॉर एग्जांपल इंडिया इलिजिबल कंट्री है मोनेटाइजेशन के लिए, बांग्लादेश इलिजिबल कंट्री है मोनेटाइजेशन के लिए। तो अगर हम लोग पाकिस्तान पे पेज बनाए हैं तो अगर इंडिया से एडमिन रख दिया हमारे पेज पे, या फिर दुबई से एडमिन रख दिया हमारे पेज पे, या फिर इटली से हमने रख दिया हमारे पेज पे एडमिन, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इन एलिजिबल कंट्री इशू को सॉल्व करने का वो हमने कर लिया है। ये फर्स्ट स्टेप है कि अगर आपका पेज इन एलिजिबल कंट्री से है तो आपको एलिजिबल कंट्री का जो कंट्री मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में आता है उस कंट्री से आपको एडमिन बनाना पड़ेगा। पेज पे 2-3 एडमिन रख सकते हो बाहर का जो एलिजिबल कंट्री है, तो आपके पेज पे और भी ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा फेसबुक एल्गोरिथम का। और खुद को मतलब जो पेज एडमिन था जिसने पेज क्रिएट किया उसको आपको एडिटर रोल पे लेके आना है, एडमिन रोल पे नहीं रखना है। एडमिन रोल एलिजिबल कंट्री के जो भी एडमिन होगा उसको दे देना है और खुद जो के पेज क्रिएट किए हैं उसको आपको एडिटर वाला पार्ट पे लेके आना है, एडिटर बन जाना है खुद के पेज का। ये स्टेप अगर आपने कर लिया और उसके बाद आप मोनेटाइज करते हो और मोनेटाइज करते टाइम आप पाकिस्तान के बैंक डिटेल या फिर श्रीलंका का बैंक डिटेल या फिर नेपाल का बैंक डिटेल नहीं डाल सकते हो। अगर आपने मोनेटाइज करते टाइम नेपाल से आप मोनेटाइज कर रहे हो और नेपाल के बैंक के डिटेल डाले हो तो आपके पेज पे मोनेटाइज होते ही इन एलिजिबल कंट्री का इशू आ जाएगा। या फिर अगर आपने पहले से मोनेटाइज करके रखे हो नेपाल के बैंक डिटेल डाल के उस केस पे भी
जो है इन एलिजिबल कंट्री का इशू आ जाएगा। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आप पाकिस्तान से बिलोंग्स करते हो, एडमिन तो आपने बाहर का रख दिया, आप खुद एडिटर बने हो, मगर आपका बैंक डिटेल जो है वो आपने बाहर का नहीं डाले हो, अपने कंट्री का पाकिस्तान का डाल के रखे हो, तो तुरंत जाओ और उस वाला पार्ट को एडिट करो, मतलब पे आउट अकाउंट डिटेल को एडिट करो और बाहर के एडमिन को कहो बाहर के बैंक का डिटेल वहां पे डाले, या फिर बाहर के पेपल अकाउंट डिटेल वहां पे डाले, तो फिर आपका पेज पे जो इन एलिजिबल कंट्री का इश्यू आया हुआ है वो 100% मिट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर सिंपल स्टेप है। अगर आप एलिजिबल कंट्री से बिलोंग्स नहीं करते हो और वहां से पेज मोनेटाइज था, अब डिमोनेटाइज हो गया है, उस केस पे आपको बाहर का एडमिन सबसे पहले रखना है एलिजिबल कंट्री से, उसके बाद खुद आपके पेज पे खुद को एडिटर रोल पे लेके आना है और उसके बाद बाहर के एडमिन को जो एलिजिबल कंट्री का होगा उसको कहना है कि उसके जो बैंक डिटेल है या फिर उस कंट्री का जो पेपल अकाउंट है उसको आपके एग्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट पे डालने के लिए अपडेट करके। अगर आप ये पार्ट कर लोगे तो आपका पेज फिर से मोनेटाइज हो जाएगा। और ये स्टेप अगर बाहर का एडमिन आपको लगता है नहीं कर पाएगा तो आप लोग खुद एनी डेक्स के मदद से आप बाहर के एडमिन के जो सिस्टम है उसको एक्सेस करके खुद जाके पे आउट डिटेल को ऐड कर सकते हो, खुद को एडिटर बना सकते हो और उसको एडमिन बना सकते हो। मगर याद रखना, बाहर के एडमिन के लोकेशन से ही पे आउट डिटेल को एडिट करना है, पाकिस्तान पे या फिर नेपाल पे या फिर नाइजीरिया या श्रीलंका पे बैठ के आपको एडिट नहीं करना है, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम को लगना चाहिए जो एडमिन है और फाइनेंशियल एडमिन है वो ऑलरेडी बाहर के कंट्री से ही हैंडल किया जा रहा है, और उसके बाद दोस्तों आप लोग पाकिस्तान में, नेपाल में और फिर नाइजीरिया में, श्रीलंका में बैठ के एज ए एडिटर रोल में रह के ही कंटेंट अपलोड कर सकते हो और आपका पेज जो है 100% मोनेटाइज रहेगा। याद रखना, कभी भी आपको आपके पेज पे एडमिन नहीं बनना है, एडमिनशिप बाहर के कंट्री के जो भी आपने रखे हो उसको ही रखना है और फाइनेंशियल डिटेल भी बाहर से ही ऐड करके बाहर के कंट्री का ही रखना है। आप लोग पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर नाइजीरिया का लोकल बैंक नहीं रख सकते हो। अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया और इंप्लीमेंट कर लिया तो 24 घंटे से ही आपका जो पेज है वो ठीक हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में, नेपाल में मोनेटाइजेशन जो डिजेबल हुआ था इन एलिजिबल कंट्री के वजह से वो रिकवर हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इस प्रोसेस पे आपको थोड़ा डिले देखने के लिए मिले, मगर फिर भी मैं गारंटी देता हूँ ये ट्रिक यूज़ करने से आपके पेज का इन एलिजिबल कंट्री इशू जो है वो 100% ख़त्म हो जाएगा और पेज आपका 100% मोनेटाइज हो जाएगा, वो पाकिस्तान से ही हो, नेपाल से ही हो, नाइजीरिया से ही हो, श्रीलंका से ही हो। होप गाइज मैंने पूरा ट्रिक समझा दिया। वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।